हरियाणा में बीजेपी जिस तरह के फैसले ले रही है उससे पता चल रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे में उसकी जमीन कमजोर पड़ रही है। कहीं कमजोर जमीन की वजह से सूबा हाथ से निकल ना जाए, इसलिए पार्टी हर वह दांव चल रही है जिससे अपनी पकड़ मजबूत रख सके। हाल ही में बीजेपी कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए अध्यादेश लाई थी जिसमें जॉब गारंटी दी गई थी। अब इस अध्यादेश पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। अध्यादेश को हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 के नाम से जाना जाएगा। इसके तहत अब किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या फिर किसी दूसरे विभाग में कार्यरत कर्मचारी के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती और कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र तक काम कर सकेंगे। इस अध्यादेश से हरियाणा में कार्यरत 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी ने ऐसा कदम चुनाव को देखते हुए उठाया है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी ने आधी सीटें गंवा दी थी उसे देखते हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोई चूक नहीं करना चाहती। हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए भी अलग ही दाव चला गया है। दरअसल हरियाणा में अब गौशालाओं का 100% टैक्स माफ कर दिया गया है। हालांकि गौशाला के किसी हिस्से में अगर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है तो उसी का प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। हालांकि इन कदमों का बीजेपी को चुनाव में कितना नफा नुकसान होगा अभी भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि वोटर्स का मूड कब किधर हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता।